जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें। मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया। आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं मेरे रब ने कहा, आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा। आदमी यहां से सवाल करता है कि तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए, आज सातों आसमान के फरिश्ते। सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। ये जो हम बैठे हुए हैं, गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, कहा जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया कि मेरे महबूब, हम आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, इधर टाइम भी खत्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को ना मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को। اصبح بصوتك اسمع لك وانا اقرأ كلام الله.